राधे राधे एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बच्चे बहुत अच्छे से होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी. लेट्स मूव टू आज आर डायमेंशनल एनालिसिस टॉपिक एंड लेट्स स्टार्ट. एक्चुअली हम ना वॉल्यूम, डेंसिटी, बहुत सारी डायमेंशंस के बारे में पढ़ चुके हैं. ऑल्सो डायमेंशनल एनालिसिस को हम दो और नामों से जानते हैं, दैट इज़ द फैक्टर लेबल मैथड या फिर यूनिट फैक्टर मैथड. एक्चुअली में गाइस, डायमेंशंस होती क्या हैं? यूनिट्स को ही हम डायमेंशंस बोलते हैं. लाइक अगर आपको बोला है कि व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ लेंथ, राइट, सो दे आर आस्किंग अबाउट द लेंथ का यूनिट, अदर इट इज़ मीटर और सेंटीमीटर और समथिंग एल्स. ठीक है, सो व्हाट इज़ डायमेंशन एनालिसिस, हम कैसे करते हैं? मैं ऑलरेडी आपको प्रीवियस लेक्चर्स में मास की यूनिट्स, ठीक है, मतलब ऐसा यूनिट्स के बारे में काफ़ी पढ़ चुके हैं. मास, वॉल्यूम, लेंथ, इन सब के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ऑल्सो मैंने वॉल्यूम के बारे में आपको बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ सिखाई थी, वो मैं लिख देती हूँ ताकि आपको रिवाइज कर लो दोबारा से. 1 मीटर क्यूब, 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब. डेसीमीटर क्यूब का मतलब 1 लीटर भी होता है और उसका मतलब 1 मिलीलीटर भी होता है. ठीक है, इन तीन लाइन्स का मतलब होता है इक्विवेलेंट का साइन इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 3. इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं. इन केस आपको अगर ये नहीं समझ आ रहा तो प्रीवियस क्लास देख लो, उसमें मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है. मैम, आप इसको यहाँ क्यों लिख रहे हो? क्योंकि NCERT में क्वेश्चन है जो इसी के बेसिस पे आप आराम से ऐसे सॉल्व कर लोगे, ऐसे ऐसे. ठीक है ना, अब देखो उसका सोल्यूशन देखोगे तो मतलब बहुत बड़ा सा सोल्यूशन दे रखा है, थोड़ा कन्फ्यूज हो जाओगे, लेकिन जब आपको आता है तो आप इसी तरीके से करें. ठीक है, फॉर मतलब बड़ा तो यार आप कितना भी लिख सकते हो, वो दिक्कत तो है ही नहीं बड़ा लिखने वाली, तो एक बार आपको आंसर सही से पता चल जाए. ठीक है ना, चलिए अब बात आ जाती है कि है क्या डायमेंशन एनालिसिस. ठीक है, इसको दो अलग नामों से जानते हैं. इसमें ना एक फर्स्ट चीज़ क्या बता रखी है कि 1 इंच इज इक्वल्स टू 2.54 सेंटीमीटर. ठीक है, कभी कभी जैसे कि ना हमें ये नहीं बताते, जैसे आपकी हाइट है ऐसे बोलते हैं ना कि इतने फुट इतने इंच का है ना, 5 फुट 3 इंच ऐसे समथिंग. ठीक है, तो फुट और इंच का ही बता देती हूँ. 1 फीट कितना होता है? 12 इंच होता है, 12 इंचेस. ठीक है, और 1 इंच कितना होता है? 2.54 सेंटीमीटर होता है. ठीक है, वैसे ये आपकी बुक में नहीं दिया हुआ, ये मैंने आपको इन जनरल, भैया अगर आपको कोई पूछते कि भाई अपना हाइट इंचेस में बताओ. ठीक है, बहुत सारी वेबसाइट्स पे, जैसे अगर आपको कभी आप अपना प्रोफाइल अपग्रेड कर रहे हो या फिर इन जनरली भी अगर आपसे कोई बेसिक नॉलेज के लिए पूछ ले तो आपको तब पता होना चाहिए. ठीक है, इतना समझ आ गया. 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर. इन्होंने क्वेश्चन एक दिया हुआ है, अ पीस ऑफ मेटल इज 3 इंच, ठीक है, तो लॉन्ग, सो व्हाट इज़ द लेंथ इन सेंटीमीटर. तो 3 इंच इज इक्वल्स टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, बस ये क्वेश्चन पूछ रखा है. बता नहीं दोगे? 1 इंच अगर 2.54 है तो 3 इंच कितना हो जाएगा? नॉर्मल मैथमेटिक्स लगाओ, 3 × 2.54 कितना हो जाएगा? 4 × 3 = 12, 5 × 15 = 16, 6 × 8 लगी 1 × 3 = 7, 7.62 सेंटीमीटर. ठीक है, सेंटीमीटर में ही पूछ रखा था ना, तो 3 इंच इज इक्वल्स टू 7.62 सेंटीमीटर. क्लियर है? मुश्किल लग रहे हैं? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है. चलिए अभी और क्या दे रखा है आपको डायमेंशनल एनालिसिस में. ओके, ज़्यादा कुछ आपको बताने का है ही नहीं, एकदम इसी चीज़ को थोड़ा सा इन्होंने डिफाइन कर रखा है, वो आप पढ़ लेना आपको समझ आ जाएगा. एक इन्होंने बोल रखा है कि जो यूनिट्स होती है ना गाइस, मतलब डायमेंशंस जो होती हैं, या आप इनको यूनिट्स भी बोल सकते हो. ठीक है ना, ये होती है यूनिट ना, सेंटीमीटर, मीटर, इंच, फुट, ये सब यूनिट्स हैं. ठीक है, तो कह रहे हैं, या फिर ये सब डायमेंशंस हैं. तो क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि भाई जिस तरीके से हम ना किसी चीज़ को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, किसी नंबर को, है ना, मान लीजिए 2 × 4 कर सकते हैं, है ना, 2 by 4 कर सकते हैं, तो जैसे हम मल्टीप्लाई, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन सब कुछ कर सकते हैं, सिमिलरली यूनिट्स के साथ होता है. ठीक है, तो ऐसा यूनिट्स कैन बी मल्टीप्लाइड, डिवाइडेड, सब्ट्रैक्टेड और एडिटिव. ठीक है, ये सब हम इनके साथ कर सकते हैं. एक ये पॉइंट था बताने का. और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एक क्वेश्चन लिखो, कन्वर्ट 2 लीटर × मीटर क्यूब. ठीक है, इसका आंसर बता दो फटाफट, 2 लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करके मुझे जल्दी से बता दो. 2 लीटर इज इक्वल्स टू हाउ मैनी मीटर क्यूब. मैम हम कैसे बताएं? दिस इज द थिंग, बिल्कुल कंफ्यूज मत हो, लीटर को डेसीमीटर क्यूब ऐसे कंसीडर कर लो. देखो क्या बात है, 2 लीटर मतलब हम लीटर पे हैं और हमें मीटर क्यूब में जाना है. जब मीटर क्यूब से लीटर आते हैं तो इंटू 10 की पावर 3 करते हैं, जब लीटर से मीटर क्यूब पे आएंगे तो सिंपली देखो, ऐसे देख लो,
कि 1 मीटर क्यूब में, ठीक है, कितना लीटर होता है, 10^3 लीटर होता है, लेकिन अब हमें क्या दे रखा है, 1 लीटर दे रखा है. 1 लीटर इज इक्वल्स टू, मतलब इसको आप उल्टा लिखोगे एक बार, ऐसे लिख लो इसको, 10^3 लीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर क्यूब, ठीक है ना. इसको मैंने बस इस लेफ्ट हैंड की साइड राइट हैंड साइड में लिख दिया, इसको बेशक इरेज कर दो, ठीक है ना. चलो, 1 लीटर किसके इक्वल होता है, 1 डिवाइडेड बाय में, है ना, 1 लीटर 1 / 10^3 मीटर क्यूब. तो इन्होंने पूछ कितने का रखा है, 2 लीटर का, तो 2 लीटर का कितना हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय में 10^3, 10 की मतलब ये होता है ना 1/10^3 तो था ही, इंटू में 2 कर दो, ठीक है. इन केस आपको बिल्कुल भी मैथ्स नहीं आता तो उसके लिए मैंने आपको बताया है, जिनको थोड़ा बहुत भी मैथ्स आता है वो इसको इजीली देख के ही कर दोगे कि यार जब इधर से इधर जाने में मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो उल्टा जाने में हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है ना. जैसे नॉर्मली हम क्या पढ़ते आए हैं, 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10^-2 मीटर, या फिर 1/100 मीटर. वही है, नॉर्मल मैथमेटिक्स लगा रखी, सेम है इसमें भी, ठीक है ना. तो आप इसको बस देख के बता सकते हो, 1 लीटर में कितने मीटर क्यूब है, 10^-3, तो 2 में कितने होंगे, 2 × 10^-3 मीटर क्यूब. तो दिस इज़ हाउ यू कैन कन्वर्ट लीटर इंटू मीटर क्यूब. ओके, लेट मी चेक, आपको नीचे से दिख भी रहा है या फिर मैं ऐसे ही कराती जा रही हूँ, है ना. ओके, इतना तो दिख रहा है, इसके बाद नहीं दिखेगा, करा दिया तो अगर. चलो भैया, चलो चलो, अच्छी बात है ना, सॉल्व हो गया ना, दिक्कत तकलीफ तो नहीं आई कुछ. अरे बता दो. नहीं मैम, गुड. चलो एक क्वेश्चन और लिखो, हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर इन 2 डेज. अगेन सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 दिन में कितने सेकेंड रहते हैं, बस इतना बताना है. जिनको नहीं आता वो डीमोटिवेट मत हो ये सुन के कि भाई बहुत ईजी है. कोई नहीं भाई, ईजी है तो सबके लिए ईजी थोड़ी ना होता, हो सकता है आपको कोई और चीज़ अच्छे से आती हो. सीख लो, मैं एकदम बेसिक से सिखाऊंगी. तो आपको बताना है कि 2 डेज में कितने सेकंड होते हैं. जिनको आता है फटाफट से निकाल दो, जिनको नहीं आता है वो फोकस करो. देखो यार, डे को सेकंड में कन्वर्ट करना है, 2 डेज दे रखे हैं. 1 दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं, तो 2 दिन में 2 × 24 आवर्स. लेकिन अब हमें आवर्स में तो निकालना नहीं है, ये हमने तो आवर्स में निकाल दिया. लेकिन अब 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60. लेकिन हमें मिनट भी नहीं निकालना. 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड. तो हमें क्या निकालना है, सेकंड ही निकालना है, समझ गए हो ना. तो 2 × 24 = 48, 60 × 60 = 3600. इनको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा, करके दिखाओ मैम, हमें थोड़ी ना आती है मल्टीप्लाई करनी. 20 तो यूँ की ये लिख दो ना, 48 × 36 कर लो, 8 × 48 = 8, 4 × 6 = 24, 25 = 27, 28, 8 × 24 = 4 2 × 4 = 12, 13, 14, 8 × 11 = 12, 1 5, 6 + 1 = 7, 1728 00, 1728 00 सेकेंड. यूनिट्स लगाना कभी मत भूलना, ठीक है. जहाँ आप यूनिट्स लगाना भूले उधर काम खराब हो जाएगा, सब कुछ करते कराते भी आपका नंबर कट जाएगा, ठीक है ना भाई. और ऑफ कोर्स ही बात है, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठने वाले हो तो सोच कर देखो, MCQ में ना 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन यही है, 1, 7, 2, 8, 00. एक में सेकेंड, एक में मिनट है, ठीक है ना. तो एक में आ रहे है, समझ रहे हो, एक में डे है. कन्फ्यूज़ हो जाओगी यूनिट नहीं देखी तो यूनिट ज़रूर देख लेना, ठीक है. चलिए, इन केस अगर आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होता है डेज और आवर्स वाले क्वेश्चंस को करने में, तो मैं एक बार लिखवा देती हूँ, दैट 1 डे इज इक्वल्स टू 24 आवर्स, 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स, ठीक है, 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स, ठीक है. तो अगर हम 1 डे में कितने सेकेंड रहेंगे हमारे, 1 डे में हमारे 24 आवर्स होते हैं और 3600 × 60 = 3600 सेकेंड, ये हो जाएगा आपका सेकेंड में आंसर, ठीक है. ये मत सोचना कि हम ये तो मिनट में आंसर है, मिनट में आंसर तब आता जब तुम 24 × 60 करते सिर्फ, तो तुम इधर से मिनट में आंसर निकाल देते, ठीक है ना भाई, 1 डे में. चलो, खुश हो, समझ आ गया, चलो अच्छी बात है. ज़्यादा मुश्किल था नहीं, इसके जो यूनिट्स वाले क्वेश्चन है ना, ये आपके एक्सरसाइज में भी मिल जाएंगे.
उनको भी कर लेना। ठीक है, अभी हमारा एक जो चीज़ छूट गई है वो टेम्परेचर है, टेम्परेचर भी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। पढ़ लें? चलो भाई पढ़ा देते हैं तुमको। और सुना दो भाई, कैसा चल रहा है आप लोगों का? क्या मैम, ये मत पूछा करो, बस कैसा चल रहा है बता दिया करो, और किसको बताओगे बताओ। ऑल्सो अगर आपको ये नहीं पता था कि इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, उसको हाईलाइट कर लेना साथ साथ, ताकि आप जब भी आओ तो आपका ध्यान इस पर 2.54 सेंटीमीटर पर ज़रूर जाए। ठीक है ना? चलिए अब क्वेश्चन क्या आ जाता है, बात यह आ जाती है कि व्हाट इज टेम्परेचर। ठीक है भैया, टेम्परेचर टेम्परेचर ये रहा। देखो गाइस, अच्छा ये भी नहीं कर रहे, अभी तो हम बस टेम्परेचर ही पढ़ रहे हैं। वैसे लिख सकते थे इसको भी डायमेंशनल एनालिसिस में, क्योंकि टेम्परेचर का भी हम डायमेंशन पढ़ने वाले हैं। टेम्परेचर, सबसे पहली बात, टेम्परेचर को हम मेज़र कैसे करते हैं? जब आप लोगों को फीवर आ जाता है, किसी बंदे को फीवर आ जाता है, हम टेम्परेचर कैसे मेज़र करते हैं? मैम थर्मामीटर से। अब लेकिन थर्मामीटर भी कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप्स के थर्मामीटर होते हैं। ठीक है, तो आपको पता है थर्मामीटर से मेज़र करते हैं, वह 3 तरीके के थर्मामीटर्स। एक को बोलते हैं केल्विन स्केल, एक होता है सेल्सियस, ठीक है ना, और एक होता है फारेनहाइट। ठीक, फारेनहाइट का स्पेलिंग ठीक है ना? सेल्सियस, FAHREN, FAHREN, ठीक है ना, फारेनहाइट स्केल। अपना NCERT अगर आप ओपन करोगे ना, तो उसका पेज नंबर 7 पे आपको दिख जाएंगे तीनों तरीके के टेम्परेचर, मतलब तीनों तरीके के थर्मामीटर, केल्विन, सेल्सियस, SIUS, सेल्सियस एंड फारेनहाइट। फ़र्क क्या होता है देखो, बस थोड़ा सा देख लो। ओके, टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है? आप कुछ भी यूज़ करो टेम्परेचर, आपको ना किसी भी चीज़ में गिवन दे रखो, आपको उसको केल्विन में ही कन्वर्ट करके फिर आगे मतलब प्रोसीड करना है क्वेश्चन। अगर आप बिना केल्विन में कन्वर्ट करें अपना क्वेश्चन करोगे, तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग होने के 100% चांसेस हैं। ठीक है, चलो अब क्या है, केल्विन स्केल में इसमें और इसमें इनके थर्मामीटर दिखते तो थोड़े थोड़े एक जैसे हैं, लेकिन इनमें फ़र्क क्या होता है? जो केल्विन स्केल है ना गाइस, वो होता है आपका 0 डिग्री, नहीं केल्विन 0 डिग्री नहीं होता, सेल्सियस होता है। सेल्सियस जो स्केल है ये होता है आपका 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक का। ठीक है, फारेनहाइट स्केल आपका कितना होता है, 32 डिग्री फारेनहाइट से लेके आई थिंक कितना, 2 1 2 डिग्री, ओके 2 1 2 डिग्री तक। ठीक है ना, तो ये होता है आपका फारेनहाइट स्केल, 2 1 2 डिग्री फारेनहाइट, 100 डिग्री सेल्सियस तक। अब बात क्या है और क्या याद रखना आपको इनमें, हाँ एक मेन बात ये कि जो केल्विन स्केल है, ठीक है, ये नेगेटिव में नहीं हो सकता, टेम्परेचर इसका कैन नॉट बी नेगेटिव, लेकिन सेल्सियस का हो सकता है। ठीक है, टेम्परेचर इसमें इसका रेंज, इस थर्मोमीटर का रेंज नेगेटिव तक भी जाता है, टेम्परेचर रेंज कैन बी नेगेटिव। अब बात ये आती है कि मैम आपने ये तो कह दिया, ठीक है सब कुछ हमें समझ भी आ गया, लेकिन ये बताओ कि हम टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट कैसे करेंगे? ठीक है ना, आपने कह तो दिया कि भाई केल्विन में ही हमेशा यूज़ करना है, पर केल्विन में कन्वर्ट भी तो करना, बताओ। ठीक है, अब आपको मैं बताती हूँ डिग्री फारेनहाइट को कैसे कन्वर्ट करोगे आप केल्विन में, और डिग्री सेल्सियस को कैसे कन्वर्ट करोगे। देखो डिग्री सेल्सियस का हम सबको पता है कि जो भी आपको डिग्री सेल्सियस में यूनिट दे रखा है ना, एक सेकेंड, हमें कन्वर्ट किस में करना है वो लिखते हैं, हमें कन्वर्ट करना है दोनों को केल्विन में, इसको भी केल्विन में और इसको भी केल्विन में। इसके नीचे लिख दे क्या, इसके नीचे लिख देते केल्विन में। अब देखो केल्विन में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे सेल्सियस को, आपको मालूम दे रखा है 5 डिग्री सेल्सियस है, मालूम 0 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। ठीक है, तो आपने डिग्री सेल्सियस में क्या ऐड कर देना है, 273.15, तो ये क्या बन जाएगा आपका, केल्विन बन जाएगा। अब मैम इसको कैसे करेंगे, इसमें आ जाता है केल्विन को आप केल्विन में कैसे कन्वर्ट करोगे, इसमें जो आपका डिग्री फारेनहाइट है उसमें आपको क्या ऐड करना है, 9/2 समथिंग, 9/5, जैसे है आपका 9/5 है, ठीक है, क्या
डिग्री फारेनहाइट लिखो यहाँ पे, मान लो 0 डिग्री फारेनहाइट है, 1 है 2 है, जो भी दे रखा है, 1 एंड 2 है तो आएगा इन 32 से स्टार्ट होएगा, प्लस में 32, मतलब अगर तो आपको 0 भी दे रखा है तो इन्होंने बोला है कि भाई क्योंकि स्केल 32 से शुरू होता है तो 0 भी अगर दे रखा है आप क्या करोगे इसमें ऐड 32 करोगे, तो मतलब कम से कम जो आपका, सोच कर देखो अगर मान लो 0 डिग्री फारेनहाइट आपको दे रखा है तो केल्विन में कैसे कन्वर्ट करोगे, 9/5 × में 0 डिग्री फारेनहाइट प्लस में 32, आप 0 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो पूरी टर्म 0, लेकिन प्लस में 32 है तो केल्विन का लीस्ट क्या आ जाएगा आपके पास, इसका 32 आ जाएगा आंसर, ठीक है। चलो इसमें बस आपको ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, ये वाला केल्विन इज इक्वल्स टू 9/5 डिग्री फारेनहाइट प्लस 32, ठीक है ना गाइस। ये तो आपको सीधा सीधा पता है, डिग्री सेल्सियस का तो आपने ऑलरेडी कर रखा होगा, 273 आप बेसिकली ऐड कर सकते हो, मान लो कि आपने 27 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है, ठीक है, इनटू केल्विन, तो कैसे करोगे बताओ जल्दी से करके देखो। अगर आप डिग्री सेल्सियस से कंफ्यूज हो रहे हो तो कुछ नहीं है, लो 27 लिख दो सीधा, प्लस में 273.15 क्या आ जाएगा, 300.15 केल्विन, जो ये 1.5 होता है कई बार इसको हम कंसीडर भी नहीं करते, कई बार कर लेते हैं, तो देखना पड़ेगा कि भाई क्वेश्चन में किस तरीके से आपको एक्यूरेसी दे रखी है, तो 0.15 करना कंसीडर, अदरवाइज नॉर्मली ऐसे भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। देख लें एक बार नीचे का आपको विजिबल है, या फिर दिखा दें आपको थोड़ा सा और अच्छे से, दिखना तो चाहिए, हो गया ना ठीक, हाँ अब तो दिख ही रहा होगा अच्छे से, चलो समझ आ गए गाइस। ये था बस आपका टेम्परेचर, ज़्यादा मुश्किल तकलीफ दिक्कत की कोई बात है नहीं। तीन तरीके के हमारे टेम्परेचर मापने के लिए थर्मामीटर होते हैं, एक आपके पास सेल्सियस हो सकता है, एक केल्विन हो सकता है, और एक फारेनहाइट में हो सकता है। अगर सेल्सियस में या फारेनहाइट में है तो हम थ्योरेटिकल कोई भी कैलकुलेशन करते टाइम उसको हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपसे कोई टेम्परेचर का यूनिट पूछ ले तो आप बाय डिफ़ॉल्ट केल्विन ही बताओगे, ठीक है। अब क्या है, अब इसको मैंने कन्वर्जन करना सिखाया है, एक फॉर्मूला मैंने आपको ये बताया है कि डिग्री सेल्सियस में जितना भी दे रखा होगा आप उसको केल्विन में इस तरीके से प्लस 273.15 करके कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर आपको फारेनहाइट में कोई दे रखा है तो 9/5 × में डिग्री फारेनहाइट जितना भी डिग्री दे रखा है प्लस में 32, इस तरीके से मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ सिखाया है। और जो प्लस 32 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो स्केल है ये 32 से 212 तक ही एग्जिस्ट करता है, 32 से नीचे ये स्केल एग्जिस्ट ही नहीं करता है डिग्री फारेनहाइट वाला, ये 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस तक एग्जिस्ट करता है। और एक पॉइंट हमने ये सीखा है कि केल्विन स्केल में टेम्परेचर नेगेटिव नहीं जा सकता, लेकिन सेल्सियस में टेम्परेचर रेंज क्या होती है, नेगेटिव जा सकती है, ठीक है, गॉट माई पॉइंट। चलिए इससे अलग कुछ रह गया, टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस आर पॉसिबल इन सेल्सियस बट इन केल्विन नेगेटिव टेम्परेचर इज नॉट पॉसिबल, ठीक है भैया, यही बता रखा है इन्होंने लास्टली, बाकी सब आपका हो चुका है। अब हम आपके आ जाते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस पे, ऑल्सो क्या है, अब जैसे बोर्ड्स के हिसाब से अगर आपकी बात करी जाए, मतलब आपके एग्जाम्स के हिसाब से, या फिर आपकी बेसिक नॉलेज, या फिर जो आगे क्वेश्चन सॉल्विंग पार्ट होगा, तो उसमें आपके लॉ जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे अब आप बोलोगे कि मैम ऐसे तो हमने कोई नहीं पूछेगा व्हाट इज़ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, या व्हाट इज़ लॉ ऑफ मतलब डेफिनेट प्रोपोर्शन, तो फिर हम क्यों पढ़ रहे हैं ये। देखो स्टूडेंट्स, आपको ना इसके क्वेश्चन एज इट इज़ मिलेंगे, ठीक है ना, जब आप मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, प्रीवियस ईयर करोगे, एनसीईआरटी करोगे, तब मिलेंगे, इसलिए लॉस को बहुत अच्छे से समझना। ऑल्सो मैं बता रही हूँ कि मैंने आपको थ्योरी नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं बस आपको क्या करा रही हूँ, क्योंकि यार देखो मैं बताती हूँ, थ्योरी तो आपकी बुक में भी लिखी हुई है, और इतने सारे हज़ारों टीचर्स अवेलेबल हैं यूट्यूब पे आपको थ्योरी पढ़ाने के लिए, सो वाई आई एम हियर, है ना, जब सेम कंटेंट कोई दूसरे बंदे पढ़ाए तो मैं आपको वापस से क्यों पढ़ा रही हूँ, ठीक है, मैं उसका रीज़न देती हूँ आपको, मैं आपको यहाँ पढ़ा नहीं रही हूँ, मैं आपको पढ़ना सिखा रही हूँ कि आपको बुक में से एक्चुअल में याद कैसे करना होता है। देखो मैं अपनी बात बताती हूँ, जब मैं बच्ची थी, मतलब जब मैं आपके जितनी थी, मैं कैसे पढ़ती थी, मुझे ऐसा लगता था यार इतनी सारी थ्योरी मैं कैसे पढ़ूँ, ऊपर से उसको याद कैसे करूँ, इतनी बड़ी बुक, ऐसे तो बोल देते हैं एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ो, याद कर लो, कैसे याद करूँ, मुझे नहीं पता था, और क्या क्या ब्रेन में रखो और क्या क्या नहीं रखूँ, तो सिंपली क्या है, मैं पढ़ने बैठ जाती थी लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, फिर उसके बाद इसकी थ्योरी पढ़ी, और जैसे जैसे डेफिनेट प्रोपोर्शन के एंड तक आए, ले भैया एकदम गए, और फिर जब नेक्स्ट पेज खोल के देखा पूरी थ्योरी लिखी पड़ी है, ले भाई दिमाग घूम गया। अब देखो एक्चुअल में ऐसे नहीं पढ़ना है, एक्चुअल में क्या करना है आपको, इसके एग्जाम्पल्स शुरू करो, मैम लेकिन पहले तो थ्योरी दे रखी है फिर ही तो एग्जाम्पल पढ़ेंगे, नहीं कोई ज़रूरी नहीं है, जैसे बुक में आपको दे रखा है आपको वैसे ही पढ़ना है, नहीं बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आप क्या करो,
आपको ये पढ़ लिया ना आपने, यहाँ हेडिंग है यही लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन आप पढ़ने वाले हो, लेकिन आपको दिखाई दे रहा है इसके नीचे एक टेबल दे रखी है और उसमें आपको क्या दे रखे हैं, रेशोज दे रखे हैं। जब आपको वो समझ आ जाएंगे ना तो आप अपने आप से उसका डेफिनेशन लिख लोगे, अदरवाइज आप कितना भी डेफिनेशन पढ़ते रहना रटते रहना कोई भी फ़ायदा नहीं होता क्रैमिंग का, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको मैं एज एन एग्जाम्पल दे दे के ही उसको समझाऊंगी और आपको बताऊंगी कि किस तरीके से एज इट इज़। अगर आप डेफिनेशन बिल्कुल जीरो हो जाते हैं, भूल जाते हैं एग्जाम टाइम में बहुत प्रेशर पे, भूल गए आप क्या होते हैं डेफिनेशन, तो किस तरीके से आप सिर्फ वो एक टेबल या वो एक एग्जाम्पल अपने दिमाग में स्ट्राइक करके और अपना पूरा का पूरा उसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। चल लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक। एक्चुअल में इसके नाम से हम क्या क्या याद रख सकते हैं वो देखते हैं। बात क्या है, आपको पता क्या चल रहा है कि केमिकल के कॉम्बिनेशंस, मतलब कि कुछ केमिकल्स होंगे जिन्होंने कंबाइन करके, है ना, कुछ क्या बनाए होंगे, कुछ ऑब्जर्वेशंस दी होंगी जिनके अकॉर्डिंगली हमने लॉ बनाए, साइंटिस्ट ने लॉ बनाए हैं, ठीक है। तो हम वो लॉ पढ़ने वाले हैं। एक्चुअल में है क्या गाइस, देखिए जब मैंने आपको एलिमेंट्स कंपाउंड चीज़ें पढ़ाई थी, है ना, एलिमेंट्स किससे रेफर करता, थोड़ा सा ब्रीफली बताती हूँ। एलिमेंट्स में आ जाते हैं आपके पार्टिकल्स, और पार्टिकल्स कैन बी एटम्स और मॉलिक्यूल्स, एटम्स मॉलिक्यूल्स। प्योर सब्सटेंसेस में पढ़े थे ना हमने, प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट था और कंपाउंड था, तो कंपाउंड में आपका एग्जांपल था अमोनिया, CO2, NH3 हो गया अमोनिया, तो मीथेन गैस। एटम में क्या था, जो सिंगली एग्जिस्ट करते हैं एटम्स, लाइक कॉपर, AgAu। मॉलिक्यूल्स में H2O2, ठीक है ना, ये वाली चीज़ें, है ना। अब क्या है बात, अब ये कह रहे हैं केमिकल कॉम्बिनेशन में कि कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट होएगा, मतलब या तो एटम कंबाइन होंगे या तो मॉलिक्यूल कंबाइन होंगे, ठीक है ना। तो क्या होएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स होएगा, तो इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट टू फॉर्म द कंपाउंड्स। एलिमेंट्स मिल के, हो सकता है कि एटम मिल रहे हो सकता है, मॉलिक्यूल्स मिल रहे हो आपस में, और क्या फॉर्मेशन कर रहे हो, कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हो, तो एलिमेंट्स, ठीक है, कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड्स। इतना क्लियर है ये क्या क्या है। एक्चुअल में हम कंपाउंड का फॉर्मेशन देखने वाले हैं और उससे रिलेटेड हमारे वेरियस लॉज हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अभी क्या कहते हैं हमें ये लॉज। फर्स्ट लॉ है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। तो क्या कहता क्या है ये आपको, मैम हमें तो क्या ही कह रहे हैं, आप ही पढ़ा रहे हो, हमारा तो कुछ नहीं कह रहे, हमारा बड़ा ही मामा का लड़का है, ठीक है, कोई नहीं यार पढ़ लो फिर भी, ओके चलो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वही है जो आप सोच रहे हो, आप आई थिंक नाइन्थ में पढ़ के आए हो, नाइन्थ या टेंथ में, कि भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म इनटू अनदर, ठीक है, वन फॉर्म टू अनदर। सिमिलरली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी क्या कहता है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना आप मास को क्रिएट कर सकते हो ना आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, बस वो क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है एक चीज़ से दूसरी चीज़ में। कैसे मैम, तो सबसे पहली बात, इसको स्टडी किसने किया था, एंटोइन लेवोइसियर ने, ठीक है, आई थिंक 1789 में, लेट मी चेक, हाँ जी 1789 में इन्होंने किया था, ठीक है। अब क्या कह रहा है ये कि मास के अंदर भी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, डेफिनेशन आप देख लोगे, और इसने किस पे, कौन सी रिएक्शन पे स्टडी करके ये बात बोली थी, कंबशन रिएक्शन पे इसने अपने, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स करे थे, ठीक है भैया। मैम कंबशन रिएक्शन में भी बता दो, जैसे क्या, जैसे कि यार देखो सबसे पहली बात तो नॉर्मल कोई रिएक्शन होगी तो हम देख सकते हैं कि भाई किस तरीके से हमने रिएक्टेंट को मिलाया और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो जितना भी मास है भाई आपका प्रोडक्ट का, आप मास कैलकुलेट कर लो तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट का ऑलमोस्ट इक्वल आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अब कंबशन रिएक्शंस में क्या होता है कि हमने लाइट एनर्जी भी ली, है ना, हीट एनर्जी भी दी,
उसे क्या होएगा कि कुछ कंपाउंड जो है वो तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन कुछ जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, एज फ्यूम्स उड़ भी तो जाएगा ना। तो इसने उन वाली रिएक्शंस पे पूरा अपना किया और इस बात का कंक्लूजन निकाला दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसके क्वेश्चंस भी आएंगे, उन क्वेश्चंस से हम देखेंगे ठीक है एक्सरसाइज में जब आए प्रीवियस ईयर में आएंगे। अभी हम नेक्स्ट लॉ पे प्रोसीड करते हैं। बस मैं इतना ही था, हाँ जी इतना ही था फर्स्ट। तो अब क्या है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन की बात करते हैं नेक्स्ट। इरेज कर दूँ क्या इसको, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था थ्योरी, अगर मैं आपको बताने लग जाऊंगी तो आपको समझ आना बंद हो जाए, आना समझ तो आ जाएगा यार, ऐसी तो कोई बात नहीं कि समझ नहीं आएगा, पर बात यह कि क्यों ऐसी हमें पंगे लेने हैं ठीक है। पहले आपको एक टेबल बना के बताती हूँ। देखो आपको एक कंपाउंड है, मान लीजिए कि क्यूप्रिक कार्बोनेट है ठीक है। इस पर जोसेफ प्राउस्ट एक फ्रांस के केमिस्ट, मतलब केमिस्ट ही है ना फिजिस, हाँ केमिस्ट है, फ्रेंच केमिस्ट हैं जोसेफ प्राउस्ट, उन्होंने इस पर स्टडी करा था। उन्होंने क्या देखा कि क्यूप्रिक कार्बोनेट इन्होंने लिया ठीक है, क्यूप्रिक कार्बोनेट, और उन्होंने क्या देखा कि ये ना हमें दो जगहों से मिलता है, एक हमें नेचुरली मिलता है और एक हम आर्टिफिशियली बना सकते हैं आर्टिफिशियल। लेकिन ये कह रहे हैं कि चाहे नेचुरल बने या आर्टिफिशियल बने, इसमें एक कॉपर होएगा, कार्बन होएगा और ऑक्सीजन होएगा ठीक है, यही चीज़ें होएगी ना। तो परसेंटेज ऑफ कॉपर होएगा, परसेंटेज ऑफ कार्बन होएगा और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन होएगा। ये कह रहे हैं कि अब नेचुरल और आर्टिफिशियल में परसेंटेज का क्या डिफरेंस मिला, 51.35, 9.74 एंड रिमेनिंग 38.91। ये कह रहे हैं कि भाई हम नेचुरल में हमको ये ऑब्जर्वेशन मिली कि भाई 51.35 हमारा कॉपर मिला ठीक है, इतना हमारा कार्बन मिला, इतना हमारा ऑक्सीजन मिला। मैम आप तो कह रहे थे इजी रहेगा ये टेबल, याद कैसे करेंगे, ये टेबल याद ही नहीं करने तुम लोगों को, तुम लोगों को बस कॉन्सेप्ट समझना है। मैम अब आर्टिफिशियल का क्या निकला, सेम निकला। क्या मतलब है कि कॉपर क्यूप्रिक कार्बोनेट को चाहे आप नेचुरली बना लो या तो फिर उसको मतलब नेचुरली आपको नेचर में मिल जाए या फिर आप उसको आर्टिफिशियली खुद से बना लो, सिंथेटिकली है ना बना लो, लेकिन स्टिल दोनों की दोनों में क्यूप्रिक कार्बोनेट का फिक्स प्रोपोर्शन है ठीक है, डेफिनेट प्रोपोर्शन है कि भाई कॉपर का परसेंटेज जितना है, कार्बन का परसेंटेज जितना, ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है, वो कितना है फिक्स रहेगा, फिक्स डेफिनेट है कि वो चेंज नहीं हो रहा, चाहे आप कोई सी भी जगह से, चाहे आप बैंगलोर से ले आओ, चाहे आप नेचुरली बना लो, चाहे आप आर्टिफिशियली बना लो, लेकिन सभी जगहों से जो ये कॉम्पोजिशन ऑफ एलिमेंट्स है ये क्या रहेगा आपका, फिक्स रहेगा। इतना समझ आ गया, दैट्स इट। अब इसका डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन इन्होंने दे रखा है कि गिवन कंपाउंड्स ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट। क्या कह रहे हैं, गिवन कंपाउंड इज व्हाट, क्यूप्रिक कार्बोनेट। तो गिवन कंपाउंड दैट इज क्यूप्रिक कार्बोनेट जो है ऑलवेज गिव्स, एग्जैक्ट डेफिनेशन, ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट, ऑलवेज कंटेन्स सेम प्रोपोर्शन, मैम सेम प्रोपोर्शन मतलब, प्रोपोर्शन मतलब जो ये परसेंटेज आपको मिला है ठीक है, परसेंटेज में ही है, सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट। क्या कह रहे हैं कि जब आप इनको वेट करोगे और वेट का प्रोपोर्शन निकालोगे है ना, तो आपको क्या मिलेगा कि एक कंपाउंड दैट इज जैसे क्यूप्रिक कार्बोनेट गिवन कंपाउंड है, तो गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स, अब वो चाहे नेचर से बना हो आर्टिफिशियली बना हो, सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट। इसमें क्या होगा, प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट दैट इज कॉपर कार्बन ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो हमेशा हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा बाय वेट ठीक है ना, जब आप उसको वेट से मतलब वेट का जब आप उसका रेशियो करोगे तब ठीक है ना। समझ गए हो ये बात, इस लॉ में आपको याद क्या रखना है, कुछ भी याद नहीं रखना, बस आपको याद रखना है नेचुरल एंड आर्टिफिशियल दोनों के दोनों में आपको क्या मिलेगा, इक्वल मिला था भाई, इक्वल मिला था तीनों का परसेंटेज। और आपको याद क्या करना है, फॉर एग्जांपल क्यूप्रिक कार्बोनेट का एग्जांपल ले लेना,
क्योंकि गिवन आपके एनसीईआरटी में, ठीक है ना, तो पूछा भी जाए तो आप एकदम से ग्रैब करके हाँ ये था, ठीक है, तो यही है। तो क्यूप्रिक कार्बोनेट में आपको पता चल रहा है, अगर आपको उसका फॉर्मूला नहीं भी पता है कि सी ओ थ्री होता है तो भी आप क्या कर दोगे, आपको इतना पता है कि भाई क्यूप्रिक में कॉपर है, कार्बोनेट में सी और फिर ऑक्सीजन मतलब ओनेट जो ले रखा है ये हो गए, ठीक है ना। चलो इतना समझ आया, दिस इज योर सेकेंड लॉ, दैट इज द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। समझ गए भैया, और कुछ तो नहीं बताना ऐसे मैंने आपको, नहीं जोसेफ प्रॉक्स ने दिया था ये मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट लॉ वन अभी द मल्टीपल प्रोपोर्शन का लॉ। चलिए स्टार्ट करते हैं, प्रोसीड करते हैं अपना नेक्स्ट लॉ, दैट इज द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। देखो क्या कह रहा है, ये सीधी सी बात है, कह रहा है सबसे पहली बात सुनो, कह रहा है कि भाई मान लो कि दो एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना, मान लो कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है। अभी मैं आपको एक बार एलिमेंट और कंपाउंड अगेन बता देती हूँ। देखो हाइड्रोजन को आप H2 लिखोगे, हाइड्रोजन इज H2 तो एलिमेंट, ऑक्सीजन को O2 एलिमेंट, H2O इज कंपाउंड, सिमिलरली एलिमेंट एलिमेंट एंड हाइड्रोजन परऑक्साइड इज अ कंपाउंड। अभी क्या कह रहे हैं कि वही दो एलिमेंट है, कौन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, लेकिन जब वो दोनों मिलके अलग अलग कंपाउंड्स बना रहे हैं, मतलब देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने एक रेशो में मिक्स हुआ तो क्या बनाया, वाटर बनाया, दूसरे रेशो में मिक्स हुआ तो क्या बनाया, उन्होंने हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाया। तो जब मोर देन वन एलिमेंट, ठीक है, जब एक से ज़्यादा एलिमेंट कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, दो डिफरेंट कंपाउंड्स बना रहे हैं, ठीक है ना, तो क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। देखो तो अब ये क्या कह रहे हैं, देखो ये जो 2 ग्राम और 2 ग्राम है ये तो फिक्स है, तो मतलब इस एलिमेंट का जो मास है वो तो फिक्स है, चेंज कौन हो रहा है, ऑक्सीजन का मास चेंज हो रहा है, एक में 16 ग्राम लिया है, एक में 32 ग्राम लिया है। तो क्या कह रहे हैं कि भाई इस तरीके से अगर होता है तो जो दोनों ऑक्सीजन है ना, दोनों ऑक्सीजन इनके जो मासेस हैं वो आपस में क्या रहेंगे, होल नंबर रेशियो में रहेंगे। जैसे कि फर्स्ट मतलब जो फर्स्ट वाला कंपाउंड है आपका वाटर वाला है ना, इसमें ऑक्सीजन जो है वो आपका 16 में है और जो दूसरा है ऑक्सीजन इसमें 32 ग्राम है। तो मतलब अगर मैं इसको काटू 16 × 16 × 2 तो क्या आएगा, 1:2, डैट इज द होल नंबर रेशियो। समझ रहे हो, तो इन्होंने यही डेफिनेशन दे रखे क्या। अभी देखो अब अगर आप सिर्फ डेफिनेशन याद रखते हो या उसी से पढ़ते हो तो आप क्या सोचते हो, यार किसका रेशियो था, इसका रेशियो था, इसका था या इसका था। अब आपने क्या देखा कि भाई सिंपल सी बात है, वाटर हाइड्रोजन परऑक्साइड के रेशियो से हमें कुछ करना नहीं है, जिनका सेम दे रखा है वेट उनसे हमें कुछ नहीं करना, जिनका डिफरेंट है ना, बस रिएक्टेंट में जिनका डिफरेंट है ना उनसे हमें लेना देना है, ठीक है। तो अब क्या कह रहे हैं, इफ़ मोर देन वन एलिमेंट, मतलब सिर्फ ये नहीं कि भाई हाइड्रोजन को हाइड्रोजन से कंबाइन करा दोगे तो भी बन जाएगा, नहीं, हाइड्रोजन को हाइड्रोजन से कंबाइन करा के कभी भी कंपाउंड बनेगा ही नहीं। तो व्हेन मोर देन वन एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म टू डिफरेंट कंपाउंड्स, या फिर टू से भी ज़्यादा हो सकते हैं, कंबाइन टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड लिख देती हूँ, है ना, ठीक है, देन द मासेस ऑफ वन एलिमेंट, मासेस ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइन विद फिक्स्ड मास ऑफ अनदर एलिमेंट आर इन सिंपल होल नंबर रेशियो। जिन्होंने ये एग्जाम्पल समझ लिया उनको डेफिनेशन समझ आ चुका होगा, जिन्होंने अच्छे से नहीं समझा एक बार एज इट इज़ मैं देख लेती हूँ, सही बोला है ना मैंने, द मासेस ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइन विद द फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट, फिक्स मास ऑफ अनदर एलिमेंट आर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स, आर इन सिंपल होल नंबर रेशियो या फिर आर इन स्मॉल होल नंबर रेशियो। देखो अब क्या है, मोर देन वन एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड्स, लाइक हाइड्रोजन है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही, लेकिन जब सेम जो एलिमेंट्स हैं मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपने क्या लिया है, बस डिफरेंट रेशियोज में लिया, तो क्या हुआ आपके पास,
दो डिफरेंट कंपाउंड या दो से ज़्यादा डिफरेंट कंपाउंड्स बन रहे हैं, तो क्या कह रहा है, देन द मासेस ऑफ वन एलिमेंट, जो ये वाले मासेस हैं, द मासेस ऑफ वन एलिमेंट डेट कम्बाइंड विद द फिक्स्ड मास ऑफ अनदर एलिमेंट, क्योंकि ये तो फिक्स मास वालों से कम्बाइन हुआ है ना, तो क्या कह रहे हैं कि जो ये मासेस हैं, दिस वन मास एंड दिस इज मास, ठीक है ना, तो मासेस ऑफ वन एलिमेंट है ना, ऑक्सीजन एलिमेंट के जो मासेस हैं, जो हाइड्रोजन एलिमेंट के फिक्स्ड मासेस से कंबाइन हुए हैं, तो ये वाले जो दोनों मासेस हैं आपके क्या होंगे, विल बी इन द होल नंबर रेशियोज, बस इतना सा है, समझ आ गया। जिन्होंने नहीं समझ आया है, एक बार बस ये देखो डेफिनेशन से पहले, एक बार बस ये समझ लो कि हम रेशियो देख रहे हैं इस वाले का, ऑक्सीजन वाले का, मतलब अब ये नहीं है कि भाई हमेशा ऑक्सीजन का ही देखोगे, क्या भाई आपको कैसे पता चलेगा, जिसका फिक्स दे रखा है ना, ठीक है, उसका छोड़ो, जो दूसरा फिक्स नहीं दे रखा ना, उनका क्या देखना है, उनका आपको रेशियो करना है, ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। अभी के लिए दैट इज विद द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, नेक्स्ट गोना बी द गे लुसैक्स लॉ ऑफ गैशियस वॉल्यूम। अब जो गे लुसैक्स लॉ है ना गाइस, वॉल्यूम वाला, ये क्या है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय वॉल्यूम जैसा ही है एग्जैक्टली। कैसे है देखो, मैं इसका एग्जाम्पल आपको लेकर बताती हूँ। जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है ना, इससे सबसे ज़्यादा मतलब क्वेश्चन मतलब अराइज होते हैं काफ़ी सारे, पर अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना, मतलब आपको वो है कि भाई आपकी नींव कमज़ोर नहीं रहेगी, अब जब नींव स्ट्रॉन्ग हो गई है तो फिर अब सब सही हो जाएगा। गे लुसैक्स लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम, ये कह रहे हैं कि भाई जैसे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में हमने क्या देखा था, मास देखा था, तो अब हम क्या देखेंगे इस वाले लॉ में, इस वाले लॉ में हम देखेंगे वॉल्यूम, बस। जैसे कि हाइड्रोजन जो है वो कंबाइन हुआ है ऑक्सीजन के साथ टू फॉर्म H2, ठीक है। अब इन्होंने ना वाटर, ठीक है ना, इन्होंने क्या दे रखा है, 100 ml ऑफ हाइड्रोजन, 50 ml ऑफ ऑक्सीजन, तो 100 ml ऑफ हाइड्रोजन, 50 ml ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंड टू फॉर्म 100 ml ऑफ वाटर, इस तरीके से इन्होंने दिया है। तो ये क्या कह रहे हैं कि जब आप वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट्स करोगे ना, इनका रेशियो करोगे, वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट्स 100:50 हो जाएगा, या आप क्या लिख सकते हो, 50 × 50 यूनिट, डेट इज 2:1। तो ये सिंपली कह रहा है, एक्चुअली द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय वॉल्यूम की तरह ही है, ठीक है, और ये रेशियो क्या आ जाएगा, ये कह रहा है कि वेन गैसेज कम्बाइन और प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, तो जब ये हाइड्रोजन भी एक गैस है, ऑक्सीजन भी एक गैस है, वेन गैसेज कम्बाइन है ना, और प्रोड्यूस इन अ केमिकल रिएक्शन, अब उल्टी रिएक्शन भी तो हो सकती है कि भाई वाटर से इन्होंने ब्रेक कर रखा हो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, तो कह रहे हैं कि या तो कम्बाइन होए या तो फिर क्या हो जाए, इस तरीके से प्रोड्यूस हो जाए, है ना, तो क्या कह रहे हैं, दोनों केसेस में दे डू सो इन सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम, तो जो इनका वॉल्यूम होएगा ना, इनका जो वॉल्यूम होएगा ना वो क्या होएगा, सिंपल होल नंबर रेशियो में एक दूसरे से होएगा, ठीक है। वॉल्यूम प्रोवाइडेड ऑल गैसेस आर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, लेकिन आपको क्या रखना है, प्रेशर एंड टेम्परेचर क्या रखना है, सेम रखना है, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन रखनी है, ठीक है ना, तो अगर सेम टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन रहेगी तो ये आपस में क्या होएगा, होल नंबर रेशियो में ही होएगा, ठीक है, एकदम सेम सेम है, एग्जांपल से आपको ये याद रह जाएगा कि आपको रेशियो किसका लेना था एक्चुअली, ठीक है ना, तो ये एग्जैक्टली किसकी तरह ही है, इसको ऑल्सो क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन फॉर द वॉल्यूम, ठीक है ना, ऐसे बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है आपके पास क्या, एवोगैड्रोस लॉ, ये बहुत सिंपल सा है एवोगैड्रो लॉ, इसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं है, इसको थोड़ा सा नीचे नीचे से रेज कर देती हूँ बस मैं, ठीक है, देखो भैया एक बार चेक कर लेते हो वीडियो बन भी रही है या मेरी मेहनत वेस्ट जा रही है, क्योंकि फ़ोन अब ओवरहीट हो सकता है मेरा ना, शुक्र है सही है, ओके। एवोगैड्रोस लॉ क्या बोलता है, ये लॉ आपको सिंपल से एक बात बोल रहा है कि ना, आप किसी भी गैस का वॉल्यूम ले लो सेम एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, उसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे ना वो सेम होंगे, मैं को उसका डेफिनेशन बताती हूँ, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स,
मान लो आपने यहाँ पे 1 ml लिया है हाइड्रोजन गैस, और आपने यहाँ पे क्या लिया है, 1 ml ही लिया है आपने ऑक्सीजन गैस, ठीक है ना। ये कह रहे हैं कि इक्वल वॉल्यूम, एक तो आपको वॉल्यूम इक्वल लेना है, 1 ml ले रहे हो इसका भी 1 लेना है, इसका 5 ले रहे हो उसका भी 5 लेना है, ठीक है ना। इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस, और एक क्या होना चाहिए, टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन दोनों में सेम होनी चाहिए, ठीक है। एट इक्वल टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये क्या कंटेन करेंगे, अगर इसके 1 ml में मान लो कि भाई 5 मॉलिक्यूल्स आ रहा है, तो इसके 1 ml में भी 5 ही मॉलिक्यूल्स आएंगे। इस तरीके से आप दुनिया की कोई भी गैस ले लो, अगर आपने किन्हीं भी दो गैसेस का क्या ले लिया, इक्वल वॉल्यूम ले लिया, और अगर मतलब एक 25 डिग्री सेल्सियस पे दूसरों को भी 25 डिग्री सेल्सियस में लिया है, तो जब आप उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स काउंट करोगे ना, तो आपके एग्जैक्टली क्या आएंगे, सेम आएंगे, ठीक है। सो दिस इज आर एवोगैड्रोस लॉ, ठीक है। और कुछ बता रखा था, एक छोटी सी चीज़ और बता रखी थी इसके बारे में, ये कह रहे हैं कि जब एवोगैड्रो लॉ आया था ना, अब जैसे अब आपको दिख रहा होगा, मैं एग्जांपल में ना सीधा H2O2 नहीं लिख रही हूँ, मैं आपको हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन लिख के बता रही हूँ। क्यों, क्या मुझे पता नहीं कि H2O2 होता है, मैम पता तो है, लेकिन उस टाइम पे जब ये लॉ आए थे ना, तब नहीं पता था कि भाई इस तरीके से कुछ एग्जिस्ट करता है कि भाई हम H2 भी ले सकते हैं। तब यही था कि भाई हाइड्रोजन का मतलब H ही होता होगा, ठीक है, वो तो बाद में डिस्कवर हुआ है, एक तो ये बात बताई हुई है। ऑल्सो क्या कह रखे कि भाई एवोगैड्रो ने जब अपना लॉ दिया था ना, तब क्या था कि इसके वक्त को ना इतना ज़्यादा वो नहीं, पहचान नहीं मिली थी कि भाई हाँ अगले ने भाई कुछ दिया है तो उसको कुछ ऐसे अवार्ड मिला हो। कह रहे हैं कि इसकी रिसर्च के भी 50 साल के बाद जब और साइंटिस्ट आए, उन्होंने इस पर रिसर्च किया, जैसे डाल्टन वगैरह जब आए, उन्होंने अपनी थ्योरी दी, तब पता चला कि भाई एवोगैड्रो के लॉ का कितना ज़्यादा महत्व है, ठीक है ना। तो ऐसा भी होता है यार, आप लोगों ने बहुत सुन रखा होता है कि भाई बंदे को जीते जी ऐसे नोबेल प्राइजेस वगैरह नहीं मिलते, लेकिन बहुत बार उनको नोबेल प्राइजेस दिया जाता है। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। तो गाइस हम कहाँ थे, हम आपको एवोगैड्रो का लॉ बता रहे थे, और क्या बता रहे थे, जैसे आप अपनी बुक ओपन करोगे ना एक बार 12th पेज नंबर, तो उसमें दिखा रखा है कि भाई पहले ना ऐसे नहीं पता होता था कि भाई हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल होता है, एटम होता है, इसीलिए क्या ले रखा है, बॉक्सेस दिखा रखे हैं 4, उसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन फिर ऑक्सीजन और फिर क्या दे रखा था, वाटर, ठीक है। सबका मान लो 1 ml 1 ml लिया है, हाइड्रोजन का 1 ml, हाइड्रोजन का 1 ml, ऑक्सीजन का 1 ml, और फिर वाटर भी 1 ml ही आपका बना, इस तरीके से आपको दिखा रखा है, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं अभी आपको, कि ये कह रहे हैं कि इफ़ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन वन ओके ईच बॉक्स कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इनफैक्ट एवोगैड्रो कुड एक्सप्लेन द अबव रिजल्ट्स बाय कंसीडरिंग द मॉलिक्यूल टू बी पॉलीएटॉमिक, ठीक है। इफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर कंसिडर्ड एज डायटॉमिक एज रिकॉग्नाइज नाउ, तो कह रहे हैं कि भाई उसने जब ऐसे दिया था, तब उसे नहीं पता था कि भाई हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एज अ मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते, लेकिन जब हमने इसको डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के ऊपर भी अप्लाई किया है ना 50 साल के बाद, जैसे मैंने आपको बताया, तो क्या हुआ, वो उस पर भी एकदम सही अप्लाई हुई है थ्योरी, ठीक है। तो इसीलिए इसके वर्क को क्या मिला, इम्पोर्टेंस मिला, क्या है अभी इन्होंने देखो बता रखा है, आफ्टर अबाउट 50 ईयर्स इन 1860 फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन केमिस्ट्री वॉज हेल्ड इन कार्ल रुचे जर्मनी टू रिजोल्व वेरियस आइडियाज एट द मीटिंग स्टैनिसोल कैनी जैरो रिप्रेजेंटेड अ स्केच ऑफ कोर्स ऑफ केमिकल फिलोसफी विच एम्फेसाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ एवोगैड्रोस वर्क। तो ये जो साइंटिस्ट है ना कैनी जैरो, इन्होंने बताया कि भाई इनका जो वर्क है किस तरीके से उसको एम्फेसाइज किया गया, कि भाई कंसिडर करा गया कि हाँ यार इनका वर्क एक्चुअल में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था, ठीक है। अब हम एक लास्ट डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के कुछ पॉइंट्स हैं उनको मैं आपको बता देती हूँ। इट कुड एक्सप्लेन लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ये सारे जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी मैं आपको बताऊंगी ना, ये सारे के सारे जो आपके लॉज हैं ना केमिकल कॉम्बिनेशन के, उनको एक्सप्लेन करती है। फर्स्ट लॉ क्या कहता है आपको, फर्स्ट लॉ बोल रहा है कि मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजिबल एटम्स, ठीक है। इंडिविजिबल का क्या मतलब है कि भाई आप उसको ना फर्दर तोड़ नहीं सकते, जैसे अगर आप मॉलिक्यूल ले रहे हो तो मॉलिक्यूल को आप फर्दर तोड़ सकते हो, मान लो मॉलिक्यूल मैंने ले लिया H2, इसको तो मैं तोड़ सकती हूँ एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन में, लेकिन अगर मैं सिर्फ एक एटम ले लेती हूँ H, या एक मैं कॉपर ले लेती हूँ, कॉपर को तोड़ो कैसे, टूटेगा, टूटेगा ही नहीं, ये तो अकेला क्या है, इनडिविजिबल, किसका फर्दर डिविजन नहीं हो सकता, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आपका क्या है, ऑल एटम ऑफ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज। देख दुनिया में जितने भी हाइड्रोजन के मतलब एलिमेंट है, मतलब कोई भी सेम एलिमेंट लगा लो आप, ठीक है, कोई भी लाइक ऑक्सीजन लगा लो, जितने भी दुनिया के ऑक्सीजन है ना,
सबके सब का एटॉमिक मास सेम होएगा, सारी की सारी प्रॉपर्टीज सेम होंगी, ठीक है ना। ऑक्सीजन का कोई भी आप लगा लो, तो ऑल द ऑल एटम्स, ठीक है, ऑफ द सेम एलिमेंट, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला है, ऑल एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। लेकिन जो डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे, फॉर एग्जाम्पल कि मान लो कॉपर और एज ही है, इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं आपस में, इनका एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट है, इनका एटॉमिक मास भी डिफरेंट है। लेकिन अगर मैं इफ़ आई एम टेकिंग द सेम एलिमेंट दैट इज़ द कॉपर एंड कॉपर, तो इनका जो प्रॉपर्टीज़ है, जो इनका मास है, वो आप दुनिया में कहीं पर भी ले जाइए, दोनों का सेम ही रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन फिक्स्ड रेशियोज। तो कंपाउंड ऐसे नहीं कि भाई हाँ कोई भी दुनिया की जितनी भी हाइड्रोजन, जितनी भी ऑक्सीजन है, जितनी जब भी आई कॉन्टैक्ट में तभी उन्होंने वाटर बना दिया, तभी उन्होंने हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाया। नो, कोई भी कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ तब बनेगा जब उनका फिक्स्ड रेशियो जो होएगा वो कंबाइन करेगा। लाइक अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:2 में कंबाइन करता है, या फिर 2:1 में कंबाइन करता है वाटर बनाने के लिए, तो मस्ट 2:1 ही होना चाहिए, तभी वो वाटर का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स, दीज आर नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि भाई केमिकल रिएक्शंस में एक्चुअली क्या होता है, देखो जो हमारा फर्स्ट था ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये वही बोल रहे हैं, बस एक अलग तरीके से बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि जो केमिकल्स होते हैं ना गाइस, आप बस उनको ना रीऑर्गेनाइज कर सकते हो। रीऑर्गेनाइज मतलब अगर आप उनको रिएक्शन कर रहे हो तो वो हो सकता है कि किसी दूसरे केमिकल में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। एलिमेंट्स हो सकता है मिलके, मॉलिक्यूल्स हो सकता है मिलके कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन क्या नहीं हो सकता, ये कह रहे हैं कि भाई दीज आर नीदर क्रिएटेड नो, ऐसा नहीं हो सकता कि भाई आपने किसी एटम को जड़ से बिल्कुल ख़त्म कर दिया, या आपने एकदम जड़ से कोई नया एलिमेंट बनाया, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ना ये क्रिएट हो सकते हैं, ना ये डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। हाँ, ये सिर्फ इंटरकन्वर्टेबल हैं, ये एक फॉर्म से आप दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। दिस इज़ द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया हो। दिस इज़ मी नैना, एंड आई रियली रियली होप आपका प्रिपरेशन अच्छे से चल रहा हो। ऑल्सो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो यू कैन टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन। राधे राधे, एंड हैव अ नाइस डे और नाइट। बाई।